हेलो फ्रेंड्स, एसके कैडकेम सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसका नाम था थ्रू कर्व बेसिक, यानी कि एक सरफेस मॉडलिंग की कमांड है जिसमें हम लोग थ्रू कर्व सीख रहे हैं। और उसमें मैंने ये मॉडल ड्रॉ किया था जो मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने चार सेक्शन दिए थे और ये चार सेक्शन को एडिट करके हम लोगों ने एक ऐसा सरफेस बनाया था। बट अभी इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि थ्रू कर्व मेश में हम लोग और एडवांस क्या कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सेक्शन ऐड करना, नंबर ऑफ सेक्शन रिमूव करना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से कुछ सेक्शन, जैसे कि ये लास्ट वाला सेक्शन है, मुझे इसमें नहीं चाहिए, सरफेस का क्वालिटी बराबर नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको पहले रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कमांड में जाना है और यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 हम लोगों को नहीं चाहिए तो उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे डिलीट का बटन है जो मेरे माउस पॉइंटर पे आपको दिखेगा, तो इसको रिमूव क्लिक करना है। जैसे ही आप रिमूव क्लिक करोगे ये आपसे लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन रिमूव करने का और ऐड करने का तरीका। अगर ऐड करना है तो वापस आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नया सेक्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने रूल कमांड में आपको ऑप्शन सिखाए थे अलाइनमेंट के, वही ऑप्शन इधर है, आप इसको देख सकते हो। रूल में जो भी ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किए वही ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे प्रिजर्व शेप रखा है, मैं इसको ऑफ अगर करता हूँ तो मुझे रिजल्ट कुछ और मिलेंगे, यानी कि जो भी आउटपुट मिलेगा उसमें ये जो ब्लैक वाले जो सरफेस सेंट के लाइन है वो नहीं मिलेंगे। इसको मैं प्रेजर ऑफ करूँगा और ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो एक स्मूथ सरफेस ओनली मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, इसके कोई एंड नज़र नहीं आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा सेक्शन को हाइड करता हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे केवल चार बाउंड्री लाइन ही मेरे पास यहाँ है, इसके बावजूद कोई भी दूसरा लाइन नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिंगल सरफेस आउटपुट मुझे मिलेगा। दूसरा, अगर मैं प्रिजर्व शेप को ऑन रखता हूँ तो मुझे मल्टीपल सरफेस के आउटपुट मिलेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ सरफेसेस मुझे आउटपुट में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई भी सरफेस को कभी भी डिलीट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे बस इतना ही, ये तीनों सरफेस ही चाहिए तो मैं ये तीनों सरफेस रखना चाहूँगा और बाकी के रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सरफेस मिलने की वजह से उसको निकालने के लिए स्कोप है, तो मैं इसको अनसेव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ सरफेस निकाल के दिखाता हूँ, इन सरफेस को मैंने अनसेव कर दिया और अभी ये सरफेस में हाइड भी कर सकता हूँ, तो मुझे इतना ही यूज़ करना है, मैं इतना ही यूज़ करूँगा। तो प्रिजर्व शेप से आपको अलग अलग सरफेसेस मिलेंगे, नंबर ऑफ सरफेसेस मिलेंगे। अगर इसको ऑफ करेंगे तो सिंगल सरफेस मिलेगा, शायद ही आप शायद ये ऑप्शन आप अभी समझ गए होंगे। यहाँ पे प्रिजर्व शेप के बाद हम लोगों को और एक ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन रखेंगे अभी और यहाँ पे बाय पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। बाय पॉइंट्स यानी कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है इसको आप एडिट करके सरफेस का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हो, जितना स्मूथनेस आपको सरफेस में चाहिए वो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, पॉइंट ऐड करने के बाद आपका कंट्रोल बढ़ जाता है सरफेस के ऊपर। तो ये है बाय पॉइंट्स वाला काम, पॉइंट आप रिमूव कर सकते हो। पॉइंट सेट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिजर्व शेप को ऑफ करेंगे
तो भी आपका सरफेस का प्रोफाइल वैसा ही रहेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे और स्मूथनेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे थ्रू कर्व के थ्रू कर्व मेश के थ्रू यहाँ पे कुछ और पॉइंट ऐड करूँगा और इसे और स्मूथ बेहतर बनाने के लिए एडिट करूँगा। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड में एडिट करने के बाद अभी हम लोग आगे का ऑप्शन देखेंगे, पैरामीटर। पैरामीटर एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जिसको आपको ऑन रखने के बाद कर्व के प्रोफाइल के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक बॉडी सरफेस का प्रोफाइल कैलकुलेट कर लेता है और आपको उसमें एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो डिफ़ॉल्ट आपको ये बाई पैरामीटर में आपको ऐसा प्रोफाइल मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब है इसमें से जो भी आर्क का लेंथ रहेगा उसी पॉइंट पे सरफेस का बाउंड्री है वो एंड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपका सरफेस आपको मैनेज करके मिलेगा। तो ऐसे ये सिंपल ऑप्शन है, आप इसमें से ये 3-4 ऑप्शन यूज करो। स्पाइन कर्व एक ऑप्शन है जिसमें आप एक अलाइन कर्व दे सकते हो आपके सरफेस के प्रोफाइल में। जैसे कि मैं इस कर्व का इम्पैक्ट ज़्यादा रखना चाहता हूँ ओवरऑल सरफेस में, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया अलाइन में, तो मुझे इसके रिजल्ट थोड़े से और स्मूथ मिलेंगे। तो ये थे कुछ एडिटिंग के ऑप्शन थ्रू कर्व में। यहाँ पे मैं कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, G0, ये जो कंटिन्यूटी के ऑप्शन है, इसके लिए आपको अलग से 2 सरफेसेस चाहिए होते हैं आपके सरफेस के आजू बाजू में। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले इस सरफेस को बनाने के पहले मैं यहाँ पे एक सरफेस बना लेता हूँ। एक्सट्रूड में यहाँ पे एक सरफेस को मैंने बना लिया और यहाँ पे भी एक बना लेता हूँ। तो मेरे पास पहले से 2 सरफेसेस हैं, इसके बाद मैंने थ्रू कर्व मेश वाला सरफेस जनरेट किया। अभी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एकदम शार्प कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे, और इस सरफेस का इस वाले सरफेस पे, यानी कि पहले वाले सरफेस का दूसरे वाले सरफेस में थ्रू कर्व वाले सरफेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो उस इम्पैक्ट को मुझे कैसे लाना है, इसका जैसे कि मुझे दोनों का टेंजेंसी चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको थ्रू कर्व में एडिट करना है और यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो कि ये है आपका, इधर आपको लिस्ट में दिखेगा सेक्शन 1, तो फर्स्ट सेक्शन में आपको टेंजेंसी ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे जाके G01 सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक सरफेस सिलेक्ट करना है जो कि आपको पहले से या अलग से लगेगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे जो प्रोफाइल था पहले, यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ, ऐसा था ये एकदम स्ट्रेट एंगल में नीचे आ रहा था। G01 करने के बाद आपको यहाँ पे स्मूथनेस नजर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से होकर ये टेंजेंसी कंसीडर करके नीचे आ रहा है, तो इसका स्मूथनेस आपको यहाँ पे फील हो जाएगा। यह है बिफोर और यह है आफ्टर। दूसरा यहाँ पे सेक्शन मिड सेक्शन है, इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते ये, क्योंकि यहाँ पे मिड वाले सेक्शन का ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पे है फर्स्ट एंड लास्ट, तो मुझे लास्ट वाले सेक्शन के साथ भी ऐसे ही कुछ ऑप्शन है। जैसे मैं इसको यूज करूँगा G01 टेंजेंट पोजिशन कंसिडर करके इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे और स्मूथनेस मिलेगा यहाँ पे जो कि यहाँ पे नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम पॉइंटेड है। अभी यहाँ पे टेंजेंसी ले लेंगे। इसके बाद आपको जो सरफेस मिला है वो एकदम सुपर सरफेस मिला है
इसका अगर मैं एजेस निकालता हूँ तो मुझे इसमें एकदम स्मूथ और टेंजेंट सरफेस मिलेगा, और इस सरफेस के प्रोफाइल के साथ एडिटिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना स्मूथ है। हम लोग यहाँ पे इसको बाई पॉइंट से थोड़ा मैनेज करेंगे, जैसे कि काफी टेढ़ा अगर नजर आ रहा है तो आप इसको सिमेट्रिक करना चाहते हो। तो ये है स्मूथनेस ऑफ सरफेस। उम्मीद करता हूं आप ये सब ऑप्शन आपके ध्यान में आए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको आ रही है या आप इससे खुश है और सारे वीडियो जैसे चाहते हो तो एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सेटिंग में आपको ये डिग्री का जो फ्रीडम है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डिग्री डालते हो तो ये सरफेस ज़्यादा स्मूथ बनता है, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा आप अगर डिफॉल्ट 3 डिग्री है तो उसको रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे दिखेंगे और टॉलरेंस भी आपको अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।